गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, हाउ आर यू। बात करते हैं आज के सॉल्यूशन की। मैं आपकी गीताश्री मैम आज का टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ। आज बात करेंगे फिर से हम सॉल्यूशन यूनिट की, पर टॉपिक हम अलग पढ़ेंगे। आज नया टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक होगा आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन के टाइप्स को जानने से पहले जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमने देखा था कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। किसका होमोजेनियस मिक्सचर है भाई? दो या दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स। फिर हमने बात की थी कि हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं बाइनरी सॉल्यूशंस, और बाइनरी सॉल्यूशंस क्या थी जिनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा आपका सॉल्वेंट। तो आज हम बात करेंगे वही सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं। अब क्वेश्चन तो दिमाग में आया था कि यार मैडम ने हमें कहा था कि सॉल्यूशन आपके बाइनरी हो सकते हैं, टर्नरी हो सकते हैं, क्वार्टिनरी हो सकते हैं। तो आज फिर से टॉपिक की हेडिंग लगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों, वो जो सॉल्यूशंस हमने करे थे बाइनरी, टर्नरी एंड क्वार्टिनरी सॉल्यूशंस, वो सॉल्वेंट के ऊपर बेस्ड थे। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट वी हैव थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वार्टिनरी सॉल्यूशन। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। हमारा एक और कंपोनेंट है जो हमारा कंपोनेंट है सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके हमें बताएंगे कि सॉल्यूशन कितनी तरह के हैं। तो बच्चों, कुल मिला के हमारे पास 9 तरह के सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। वी हैव 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मेरे साथ साथ जल्दी से आप लोग अगर अपने घर पे बैठे हो, पेन और कॉपी को ले लो, एक रफ टेबल ड्रॉ करना जहां पर हम इजिली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन निकल के आएगा बाहर पेपर में। यहां से पूछा जाता है कि क्या कौन से टाइप, कौन सी एग्जांपल को लेके चल रही है। तो जल्दी से हम टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड एग्जांपल। एग्जाम्पल से हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्या है सॉल्यूशन। लेकिन हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, और हम बात करेंगे हम एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला केस आपका। पहले केस में हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट अगर हमारे पास होगा सॉलिड और सॉल्वेंट भी हमारे पास होगा सॉलिड। हमने कहा अगर सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो मुझे जल्दी से आप लोग ही आंसर करके बताएं कि सॉल्यूशन की टाइप क्या होगी। तो जल्दी से आंसर करेंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि हमने कहा था सॉल्यूशन की टाइप डिसाइड कौन कराता है? सॉल्वेंट कराता है। इट मींस जो सॉल्यूशन की टाइप होगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका? फेज ऑफ द सॉल्यूशन सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। क्योंकि सॉल्वेंट की फेज क्या है? सॉलिड है, और सॉलिड स्टेट सॉल्वेंट ही डिसाइड कराएगा फेज ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। तो भाई हमने कहा अगर सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉल्यूशन तो बन के आ गया सॉलिड, लेकिन कहां? अब बात आती है एग्जांपल की। तो एग्जांपल फिर हमने लास्ट लेक्चर में कही थी, हमने एलॉयज डिस्कस किए थे। एलॉयज अगर मैं याद कराऊं, हमने कहा था हमारे पास ब्रास है। अब मुझे ये बताओ ब्रास किन दो मेटल्स को मिला के बनता है? ब्रास बनता है कॉपर और जिंक को मिला के। तो एलॉयज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉपर और जिंक दोनों किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगले टाइप की बात करते हैं। जब हमारे पास सॉल्यूट होगा लिक्विड और सॉल्वेंट रहेगा सॉलिड। बात आ गई, सॉल्वेंट रिमेन्स द सेम, लेकिन सॉल्यूट की फेज चेंज होगी। पहले सॉलिड लिया, अब हम कौन सा ले रहे हैं? लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूट है। सॉल्यूट हमने कहा था माइनर अमाउंट पे, मतलब लिक्विड की अमाउंट कम होगी और सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होगी। तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो कौन सा सॉल्यूशन बन के आएगा?
सिंपल सा आंसर सॉलिड सॉल्यूशन अगेन, क्यों? क्योंकि आपका सॉल्वेंट कैसा है, आपका सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है। अब बात आती है इसी एग्जांपल की, कौन सी एग्जांपल इसके अंदर आएगी? इसके अंदर आएंगे आपके अमलगम्स। अब बोलो कि आप लोग अमलगम, अमलगम क्या है भाई? अमलगम में मर्करी, और आपको पता है पीरियोडिक टेबल का एक होता है ऐसा मेटल जो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, और वो कौन है आपका? मर्करी। अब मर्करी क्या करता है भाई? मेटल्स के साथ अमलगम बनाता है। अब मेटल के साथ हमने बोल दिया कि इसने अपना मलगम किसके साथ बना दिया? कॉपर के साथ बना दिया। इसने अपना मलगम किसके साथ बना दिया? सोडियम के साथ बना दिया। कॉपर अमलगम हो गया, सोडियम अमलगम हो गया, जिंक अमलगम हो गया आपके पास। अब ये जो अमलगम है, अगर किसी को नहीं याद आए तो एक छोटी सी एग्जाम्पल इसकी देती हूँ। डेंटिस्ट जब आपके दांत खराब होने पर उसको फिलिंग करता है, वो फिलिंग जो है वो भी क्या आपके अमलगम है। तो अमलगम किसकी टाइप आ गई? अमलगम किसकी एग्जाम्पल है? लिक्विड इन सॉलिड की एग्जाम्पल है, जिसमें लिक्विड कम अमाउंट में है और आपका सॉलिड जो है वो लार्जर अमाउंट में है। अगले टाइप की बात करते हैं हम लोग, जब हमारा सोल्यूट होगा गैस और हमारा सॉल्वेंट होगा सॉलिड। अब मुझे सॉल्यूशन की टाइप बताने की बात ही नहीं, क्योंकि अब अंडरस्टूड है कि सॉल्यूशन कौन सा होगा आपका? सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अब माइनर अमाउंट में कौन कौन आ गया? गैस माइनर अमाउंट में आ गई, सॉल्वेंट जो सॉलिड है वो आपका ज्यादा अमाउंट में आ गया। अब जल्दी से इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है इसमें एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस, गैसेस का एडजॉर्ब होना। और एग्जाम्पल देखे हम लोग, हाइड्रोजन गैस जब पैलेडियम पे अटैक करती है तो वो क्या बना लेती है आपका? सॉलिड सॉल्यूशन बना लेती है। अगली टाइप की बात करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट केस आ गया जिसमें हमने स्टडी किए सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट जो था वो सॉलिड रहा, सिर्फ सॉल्यूट को हमने चेंज किया, सॉलिड लिक्विड और आपके गैसेस। अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूट, अब हमने सॉल्यूट लिया सॉलिड, अगे सॉल्यूट कौन सा यूज किया हमने? सॉलिड। लेकिन इस बार हमने किसको चेंज कर दिया? सॉल्वेंट को। और सॉल्वेंट कौन सा ले लिया हमने? लिक्विड सॉल्वेंट लिया। सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा, सॉल्यूट की अमाउंट कम, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा, जल्दी से कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? कौन सा सॉल्यूशन बना हमारा? वेरी गुड, हमारा सॉल्यूशन बना लिक्विड सॉल्यूशन। अब बात अपने आप होती जाएगी, अपने आप आंसर निकल के आना शुरू हो जाएंगे। ये हमने पढ़ लिया भाई, अंडरस्टूड हो गया कि सॉलिड सॉल्वेंट डिसाइड कराएगा सॉल्यूशन का फेज। तो फेज किसने डिसाइड कराया? लिक्विड ने। लिक्विड सॉल्वेंट था तो सॉल्यूशन क्या निकल के आ गया? लिक्विड सॉल्यूशन। मैं सोच रही हूँ कि एग्जाम्पल ना दू, क्योंकि ये एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बड़ी आसानी से कर सकते हो। सॉलिड लिक्विड बना लो, किचन में जाओ, मीठा पानी बनाओ, चीनी को ऐड कर दो वाटर में, तो शुगर को जब वाटर में ऐड करोगे तो क्या है भाई आपका? कौन सा? लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि शुगर की अमाउंट कम रहती है, वाटर की अमाउंट ज्यादा रहती है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप निकाल सकते हो। अगले टाइप की बात करें हम लोग, तो आपका सॉल्यूट आ गया लिक्विड और आपका सॉल्वेंट कौन आ गया? लिक्विड आ गया। अब लिक्विड इन लिक्विड अगेन, मेरा मन नहीं करा कि अब मैं बोलूं, अब आप लोग बोलोगे कि भाई मैम अब तो हमें पता चल गया, हम एग्जांपल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन कौन होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और मैडम एग्जांपल भी आप मत देना, हम ही एग्जांपल देंगे। क्यों? क्योंकि मिल्क जो है बेस्ट एग्जांपल है। मिल्क आपका कौन सा? लिक्विड इन लिक्विड भाई। कोई भी दूध वाला प्योर दूध नहीं देगा हमें, पानी तो ऐड करेगा। जमाना कौन सा इम्प्योरिटी का? प्योरिटी कहाँ मिल रही है? तो मिल्क एग्जाम्पल आ गई। अरे मिल्क छोड़ो मैडम, जल्दी से उठा लो, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, वेरी गुड, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे दिया आप लोगों ने भाई। चलती है, कंटेंट चलता है, इथाइल अल्कोहल और वाटर का। अगली टाइप की बात करें, अगली टाइप है आपकी सोल्यूट कौन है आपका? गैस। और सॉल्वेंट कौन सा? लिक्विड। सॉल्यूशन कौन सा बन गया? लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। अब बात आती है गैस इन लिक्विड, ये कौन सी बात आ गई? कभी लिक्विड में गैस होती है? अरे होती है, क्यों नहीं होती है? आप लोगों ने क्या पी हुई है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी है। कोको कोला पी रहे हो, थम्सअप पी रहे हो, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या है?
आपका CO2 इन वॉटर। अब भाई फिशेज मछली जल की रानी है, फिशेज कहाँ रह रही है, वॉटर के अंदर रह रही है, सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वॉटर इज अनदर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इन विच गैस एंड लिक्विड, गैस एक्स एज सॉल्यूट वेयर एज लिक्विड एक्स एज सॉल्वेंट। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम लोग जल्दी से, हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सी टाइप है हमारी, सोल्यूट। सोल्यूट में कौन है हमारा, सॉलिड, सॉलिड हमारा सोल्यूट है और सॉलिड हमारा सोल्यूट है और हम यहाँ पे बात करें सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट हमारा कौन आ गया, गैस हमारा सॉल्वेंट आ गया। बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन आएगा वो गैसियस आएगा, जहां पर सोल्यूट आपका कौन होगा गैस और सॉल्वेंट कौन सा होगा आपका गैस। अच्छा सॉलिड, हम सॉलिड से स्टार्ट कर रहे थे तो सॉलिड ही लेते हैं पहला केस आपका। हमारा पहला सोल्यूट पार्टिकल सोल्यूट कंपोनेंट आ गया सॉलिड, और हमारा सॉल्वेंट कौन आ गया गैस। सोल्यूशन की टाइप कौन सी, वेरी गुड, सोल्यूशन की टाइप कौन सी आ गया आपकी, गैस सोल्यूशन, गैशियस सोल्यूशन कहते हैं इसे हम लोग। अब सॉलिड गैस में प्रेजेंट है, क्या कभी आपने सॉलिड पार्टिकल्स को गैस में देखा है? तो भाई देखा है, हमने देखा है, अपनी डेली लाइफ में देखा है इसको, क्यों अपनी आंखों से देखा है, नेक डाई से देखा है, जब तूफान चलते हैं विंड स्टॉर्म्स चलती हैं तो आप क्या कह सकते हो, स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, एयर में डस्ट के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण प्रेजेंट है उसके, तो वो बेस्ट एग्जांपल है किसकी, सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन गैस सॉल्वेंट एंड द सोल्यूशन फॉर्म्स हेयर इज गैसियस सोल्यूशन। नेक्स्ट है Now, liquid as solute, gas as solvent, and type of the solution, gaseous solution. Liquid in gas. तो liquid in gas की example भाई, humid air, humidity, presence of water vapors. Vapors कहाँ present है? Vapors in air. Humid air कर देते हैं. Best example, liquid in gas. And last type, gas in गैस मीन्स सोल्यूट गैस सॉल्वेंट गैस और टाइप ऑफ द सोल्यूशन गैशियस, गैशियस सोल्यूशन। अब यहां पे अगेन जल्दी से खुद ही आंसर कर दो, गैस इन गैस भाई एयर आपकी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉर्म्स एयर, एयर में बहुत तरह तरह की गैसेस प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इट मीन सोल्यूट भी कौन होगा गैस और सॉल्वेंट भी कौन होगा आपका गैस होगा। तो गाइस हमने अभी देखा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में हमने क्या देखा कि 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आर फॉर्मड ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट जब हमने क्या किया, वेरी करते गए और सोल्वेंट को वहां पर रखते गए तो तरह तरह के सोल्यूशन बनते गए और उनकी हमने एग्जाम्पल्स भी देखी। अब होप सो कि वो एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हुई होगी और आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो एकदम परफेक्ट हो गया होगा, भूलने की जरूरत नहीं है, एकदम का क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा आपको। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जल्दी से हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है आप लोगों का सॉल्युबिलिटी। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, अब भाई सॉल्युबिलिटी वर्ड बात करेंगे हम, सॉल्युबिलिटी कौन सी मजाक वाली बात कर दी, क्या हमें नहीं पता सॉल्युबिलिटी क्या चीज है, जब कोई चीज जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कह देंगे, वो एबिलिटी कह देंगे उसकी कि सोल्यूट किस दौरान सॉल्वेंट के अंदर घुल रहा है। बट भाई अब मुझे क्या ये आंसर कर सकते हो आप लोग कि हर दफा आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में घुल जाता है, इक्वल अमाउंट में घुल जाएगा? अगर घुल जाता होता तो दो टाइप्स निकल के नहीं आती जो हमने 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रही है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मतलब सॉल्यूट पूरी तरह से घुल भी सकता है और सॉल्यूट पूरी तरह से सॉल्वेंट के अंदर घुल नहीं सकता है। तो सॉल्युबिलिटी है क्या, पहले हमें सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी कि व्हाट इज द डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ अ सॉल्युबिलिटी, हाउ टू डिफाइन अ सॉल्युबिलिटी। तो जल्दी से पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहते हैं, मेरे साथ रिपीट भी करते रहना, एक एक वर्ड को रिपीट करना, वर्ड को रिपीट करोगे तो दिमाग
दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा, चीज समझ आएगी। और लेक्चर में ये नहीं कि अब हम बोर हो गए, ये टॉपिक समझ आ गया, बाद में देखेंगे इसे, नहीं, कंटिन्यूटी में लेक्चर को अटेंड करो। तो बोलता है सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी कहती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पहली चीज बोल रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म विच टाइप ऑफ सोल्यूशन। भाई सैचुरेटेड सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन बनाना है उसे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। क्या डेफिनेशन खत्म हो गई? डेफिनेशन खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेफिनेशन का हर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन का एक भी पॉइंट छूट गया मतलब हमारी डेफिनेशन गलत हो गई। तो डेफिनेशन कहती है भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब रुक जाते हैं, पॉज लेते हैं, क्यों, दिमाग खुल गया, फिर रुक गया दिमाग हमारा कि भाई सब्सटेंस कौन सा होगा। तो सब्सटेंस हमारा क्या होगा, हमारा सोल्यूट। अब सोल्यूट को हम किसमें लेते हैं, सोल्यूट को हम लेते हैं ग्राम्स में। तो बोलता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट आपको पता है हम लीटर से लेके चलेंगे, सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये ही मैंने भी थोड़ी देर पहले बात करी कि कौन सा सॉल्यूशन तैयार होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होगा। भाई बात यहाँ पे गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, और आपको पता है सॉल्युबिलिटी को हिट करेगा, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसीलिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, हमने लिखा एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई कितना सॉल्यूट, कितने सॉल्वेंट ने कितना वॉल्यूम कवर करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, पर कहां, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी, कोई बोले कि सॉल्युबिलिटी की यूनिट्स क्या है, तो मुझे लगता है वो मजाक कर देगा हमारे साथ कि हम तो बता ही नहीं पाएंगे व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो मेरे को कौन बताएगा सॉल्युबिलिटी की यूनिट्स क्या है, मैंने ये क्या, आपने खुद लिखा है ग्राम और यहाँ क्या लिखा है लीटर, तो इट मीन्स सॉल्युबिलिटी के यूनिट्स क्या है, ग्राम पर लीटर। तो हम इसे किसमें वेयर कर सकते हैं, ग्राम पर लीटर में। एक और भाषा में अगर कहें हम लोग, तो हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ी है, तो बोलता है ग्राम्स जो है मोल्स ही बताएंगे हमें कितना ग्राम है और हमारा लीटर। या तो इसे ग्राम पर लीटर कह लो, या इसे मोल पर लीटर कह लो, या इसे आप लोग मोल फ्रैक्शन की टर्म में पढ़ लो। अब ये तो आ गई भाई सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या कह रही है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या कह रही है कि भाई कितने लीटर में कितनी ग्राम चीज जो है वो ऐड हो जाएगी और वो क्या बना देगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देगी। पर किस पे कंडीशन क्या रखी है, कंडीशन रखी है गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, और वो फैक्टर्स क्या है, आपका टेम्परेचर और आपका प्रेशर। अब यहां से चलते हैं थोड़ा सा आगे कि ये सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स उठा लिए, क्या यही दो फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी को हिंट करते हैं, क्या यही उसको डिसाइड कराएंगे कि वो सॉल्युबल होगा कि नहीं, क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं, तो नजर डालते हैं हम लोग फैक्टर्स जो इसको क्या करेंगे, फैक्टर विच डिसाइड द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिसाइड कराने में। अब बात आती है इतने तरह के सॉल्यूशन की लिस्ट बनाई, एक चार्ट बनाया हमने, क्या वो सारे सॉल्यूशन हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चों इस यूनिट में हम लोगों को जो पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरी बात हमें करनी है गैस इन लिक्विड। ये इस यूनिट में हम इन दो सॉल्यूशंस की बात करेंगे, एक तो हम करेंगे सॉलिड इन लिक्विड की बात और दूसरी बात करेंगे हम लोग गैस इन लिक्विड की बात। तो जल्दी से रख करके हेडिंग डालते हैं हम लोग क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। हाँ तो बात करते हैं फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी।
कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, वो फैक्टर्स क्या कहलाएगा। पहला फैक्टर की बात करते हैं हम लोग, पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर को बताने के लिए जल्दी से मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल से ही कहते हैं, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो क्यों ना इसको ज्यादा इंग्लिश में मॉडिफाई करें, हम लोग एग्जाम्पल कैच करते हैं, एग्जाम्पल क्या बोल रही है। तो बोलते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर। तो एक छोटी सी लाइन लिख रही हूं मैं, अगर आपको याद आ रहा है तो, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बार बार करते हैं, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, पोलर सब्सटेंस, पोलर सोल्यूट पार्टिकल्स हमेशा किसमें डिजोल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अगर सोल्यूट की नेचर पोलर है तो सॉल्वेंट भी आपको कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। अगर आप बोलो क्या पोलर सब्सटेंस, पोलर सोल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल सकता है, तो भाई ये हम क्या कहेंगे कि ये तो मुश्किल सी बात है। पर हाँ ये चीज हमने पढ़ी है कि पोलर चीजें हमेशा किसमें घुलती है, पोलर ही सॉल्वेंट के अंदर घुलती है। अब एग्जांपल की बात करते हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूं, आपका पोलर सोल्यूट पार्टिकल है NaCl, ये मेरा सोल्यूट आ गया NaCl और ये पोलर है। क्यों पोलर है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम के कंपेरिजन में ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या बन जाएंगे, पोल्स बन जाएंगे। अब यहां पे NaCl और मेरा जो पोलर सॉल्वेंट है वो कौन आ गया, वाटर मॉलिक्यूल आ गया। अब वाटर क्या है मेरा, यहाँ पे वाटर मेरा सॉल्वेंट है। अब आपको पता है NaCl वाटर में इजीली क्या कर जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। अगले एग्जांपल की बात करते हैं भाई, आपका HCl, HCl अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव आ गया। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। क्या बन गया यहाँ पे, डेवलप हो गए पोल्स। वहीं पर बात करूं मेरा सॉल्वेंट, ये तो मेरा सोल्यूट है, सॉल्वेंट कौन है मेरा, वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल आ गया भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोलने की बात ही नहीं है भाई, पार्शियल नेगेटिव। तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया जी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बताओ मेरे को क्या होगा। अब आप लोगों ने बात पढ़ी है ना अट्रैक्शन की, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ऑलवेज देयर, तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें क्या डेवलप हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्शन आ जाएगी। अट्रैक्शन आने के कारण ये इसके अंदर जाके क्या कर जाएगा, घुल जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो देखो क्या बोला हमने, पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, सोल्यूबल होगा। अब नॉन पोलर की बात कर लेते हैं कि भाई नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुल सकता है। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैंने एग्जांपल ले लिया CCl4 नॉन पोलर सोल्यूट। अब ये नॉन पोलर सोल्यूट है तो CCl4 जो है क्या वॉटर के अंदर सोल्यूबल होगा, नहीं। तो किसमें भाई, बेंजीन में। अब बेंजीन क्या है कोई बोले तो, बेंजीन क्या है जी आपका, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो क्या देखा आपने, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर के अंदर घुल रही है और पोलर चीज किसके अंदर घुल रही है, पोलर के अंदर घुल रही है। इसका इसमें सॉल्युबिलिटी क्या है, बेटर है, और इसका सॉल्युबिलिटी इसके अंदर क्या है, बेटर है। क्यों, क्योंकि लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक। तो ये कौन सा पहला फैक्टर, कौन सा फैक्टर पढ़ा हमने, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब बात करते हैं अपने सेकेंड फैक्टर की, बोर्ड रख करने के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला फैक्टर जो आपका सेकेंड फैक्टर, और सेकेंड फैक्टर क्या है आपका, टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अब देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है। अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेट इट बी, मैंने बोल दिया मेरी बात, मान लिया आप लोगों ने कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो भाई आप में से ही कोई इंटेलिजेंट बच्चा, कोई महाशय आके बोल देगा मेरे को कि मैडम कैसे, टेम्परेचर पे तो दो तरह की रिएक्शंस डिपेंड करती है, एक एक्सोथर्मिक और एक आपकी एंडोथर्मिक। तो भाई हाँ, मुझे रुकना पड़ेगा उसके आंसर को देने के लिए कि बात तो सही है, दो तरह के रिएक्शंस पड़ी है हम लोगों ने, एक एक्सोथर्मिक और एक आपकी एंडोथर्मिक। तो बच्चों होगा क्या, होगा ये कि अगर आपकी रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है
तो टेम्परेचर बढ़ने पर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है, अब आ रही है रिएक्शन कौन सी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अगर टेम्परेचर को बढ़ाया गया, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, बढ़ने की बजाय घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां तो डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, डिपेंडेंट थे, बट यहाँ पे क्या हो गया भाई, इनवर्स रिलेशन पैदा हो गया। क्यों हुआ इनवर्स रिलेशन पैदा, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लेके कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन से दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन बना और यहां पे इन दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशन पैदा हो गया। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है, अच्छा बात देखते हैं। हमने कहा सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गए और क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अब होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड एक चीज और निकलती है और वो क्या है, एनर्जी। एनर्जी रिलीज होती है भाई, जब वो एनर्जी निकाल रहा है तो आप काहे को जबरदस्ती उसको एनर्जी दे रहे हो। अब क्या करेगा बेचारा, खुद की एनर्जी निकालना था, आप जबरदस्ती का काम कर रहे हो, उसको और टेम्परेचर दे रहे हो, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, सारे फ्रस्ट्रेट हो जाते, ये भी फ्रस्ट्रेट हो गया, तो रिएक्शन कैसे, रिवर्सिबल, रिवर्ट बैक, ये दोनों सेपरेट। अब कैसे, अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जल्दी से हम चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के पास। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था डेल्टा एच, फॉर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, वेरी गुड, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव है डेल्टा एच, अब डेल्टा एच बताने की जरूरत है, चलो बता देते हैं। डेल्टा एच क्या है आपका, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या, नेगेटिव। अच्छा मैं पूछ रही हूँ, मेरे मन में बात आ गई, भाई बताओ फिर एंट्रोपी, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, रेंडमनेस, फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स क्या करेगा, वो भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। अब भाई गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सा रिलेशन, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब जल्दी से ये वैल्यूज अप्लाई करते हैं हम लोग। अब बोलते हैं डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू है नेगेटिव, यहां पर क्या है नेगेटिव, और एंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या है नेगेटिव। अब मेरे को बताओ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, माइनस और माइनस मिलके क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं। ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। अब भाई अगर आप चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि यहां पर आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, पढ़ी है ना आपने स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप अगर चाहते हो ये रिएक्शन अपने आप हो, तो भाई कहा गया है थर्मोडायनेमिक्स ने बोला था, इफ यू वॉन्ट योर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस देन योर डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। आपका डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर आपका डेल्टा जी, सॉरी डेल्टा जी अगर आपका नेगेटिव होगा, तभी आपकी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी वो रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा वो रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव के बराबर स्पॉन्टेनियस, तो इसके लिए होना क्या चाहिए, इसके लिए हमारा टेम्परेचर, और टेम्परेचर मस्ट बी लो, टेम्परेचर कम होगा तभी ये काम हो सकता है। पर हम क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी क्या करती है, घट जाती है। तो इसको आराम से नोट कर लेना, इसको आराम से समझ लेना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेके हमने इसे क्या किया, एक्सप्लेन किया, और ये आपका सेकेंड फैक्टर है। बात करते हैं तीसरे फैक्टर, थर्ड फैक्टर। तो थर्ड फैक्टर है आपका प्रेशर, प्रेशर। अब आपको पता है प्रेशर दबाव बनना, अब क्या प्रेशर भी सॉल्युबिलिटी को डिसाइड कराती है, जी हाँ प्रेशर। क्यों, अब देखो प्रेशर बढ़ाने पर, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर देन ऑटोमेटिकली सॉल्युबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। प्रेशर को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब ये मैं बात किसी कर रही हूं, गैस इन लिक्विड की, गैसेस जो है, जो सॉल्यूट पार्टिकल गैस की है वो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल है कि नहीं है, कभी देखा आपने, यार ये तो बड़ी ऐसी अजीब सी बात है, गैसेस का लिक्विड में घुल जाना,
गैसेस लिक्विड में घुलती हैं, क्या सॉल्युबल होती हैं। तो मैंने आपको उस लास्ट चार्ट में एक एग्जांपल दी थी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, भैया आप लोग थम्स अप पी रहे हो, कोको कोला पी रहे हो, तो जब आप उसका ढक्कन खोलते हो तो सबसे पहले बाहर कौन आती है, गैस निकल के आती है। तो जब वो ढक्कन के अंदर होती है, बंद होती है, तो गैस तो नहीं दिखती है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या लगा होता है, वहां पर प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और जैसे ही आप प्रेशर को रिलीज करते हो, प्रेशर को रिलीज कैसे किया जाता है, भाई ढक्कन खोल के, जैसे ढक्कन खोला प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम होने पर जल्दी से कौन बाहर आ गया, आपकी गैसेस बाहर आ गई, क्योंकि वो स्पेस ढूंढ रही थी फ्री अप होने के लिए, उनको स्पेस मिली वो फ्री अप होगी। लेकिन जैसे आपने पिस्टन को लगाया, ढक्कन लगाया, प्रेशर क्रिएट कर दिया, गैसेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको कहां जाना पड़ा, लिक्विड के अंदर, और वहां पर जाके वो क्या होगी, सॉल्युबल होगी। अब ये जो प्रेशर वाला फैक्टर है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रेशर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। इस छोटे से फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आगे, जिनका नाम है हेनरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेनरीज लॉ की, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ है जो हमें बताएगा व्हाई गैसेस आर सॉल्युबल इन लिक्विड, लिक्विड में गैसेस सॉल्युबल क्यों है और उसकी वजह से क्या क्या होता है और क्या क्या हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, कीप ऑन स्टडी, घर बैठ के इसको पढ़ो अच्छे से जो आज लेक्चर दिया है आपको। अब जाने से पहले जल्दी से बात करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की। जी हाँ, कुछ भूल सकती हूँ बट मोटिवेशनल कोट नहीं भूलती। तो आज की मोटिवेशनल कोट है, ध्यान से सुनना, नो मास्टरपीस वाज एवर क्रिएटेड बाय अ लेजी आर्टिस्ट। इसीलिए कीप ऑन स्टडिंग, मेहनत करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक